सुबह का समय, गोलियों की तड़तड़ाहट और चीख पुकार, इसके बाद एक घर से निकले पांच शव। ये खौफनाक मंजर देखने को मिला आज सुबह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में, जहां जमीनी विवाद में हुई एक हत्या के बदले पांच लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस सनसनीखेज हत्याकांड से पूरा इलाका दहल उठा। सूचना पुलिस को मिली तो उनके भी हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में डीएम से लेकर एसपी तक सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। देखते ही देखते पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया। पीएसी को तैनात कर दिया गया। फिलहाल गांव में छह हत्याओं से तनाव का माहौल है। जानकारी के मुताबिक थाना रुद्रपुर के फतेहपुर गांव में एक जमीन को लेकर पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव और सत्यप्रकाश दुबे के बीच विवाद चल रहा था। रंजिश पुरानी थी तो अक्सर तनातनी हो जाती थी। सत्यप्रकाश का आरोप था कि प्रेम यादव उनकी जमीन पर लगातार कब्जा कर रहा है। वहीं प्रेम यादव उसे अपनी जमीन बताता था और इसी को लेकर उन दोनों के परिवारों में ये विवाद चल रहा था। लेकिन आज सोमवार सुबह प्रेम यादव का शव गली में पड़ा मिला तो हड़कंप मच गया। प्रेम की गला काटकर हत्या की गई थी। हत्या किसने की अभी तक साफ नहीं हुआ था, लेकिन प्रेम यादव के परिवार का शक सत्यप्रकाश दुबे पर गया, जिसके बाद बदले की आग में प्रेम यादव के परिवार के लोगों ने सत्यप्रकाश के घर पर बंदूक, लाठी, डंडा और धारदार हथियार लेकर धावा बोल दिया। सुबह का समय था तो घर पर सभी लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है प्रेम यादव की हत्या से आक्रोशित परिजनों ने सुबह 7-8 बजे के बीच सत्यप्रकाश दुबे के घर पर हमला किया। घर में घुसते ही सत्यप्रकाश के परिवार में जो भी सामने आया उसकी हत्या कर दी। किसी का गला काट दिया तो किसी को सीधे गोली मार दी। इस वारदात में कुल पांच लोगों की मौत हुई, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार धारदार हथियार और असलहों से लैस हमलावरों ने सत्यप्रकाश, उसकी पत्नी, बेटी, एक बेटे को मार डाला, जबकि एक बेटा गंभीर रूप से घायल है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इस घटना के बाद पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। उधर एक ही गांव में छह लोगों की मौत की खबर मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। इस घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया और पीड़ित परिवार के लिए संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने की बात कही। खुद मुख्यमंत्री घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि रुद्रपुर तहसील के फतेहपुर गांव के लेहड़ा टोले में आपसी रंजिश में विवाद हुआ। इसमें एक पक्ष से एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि दूसरे पक्ष से पांच लोगों की मौत, यानी टोटल छह लोगों की मौत हुई। और प्रथम दृष्टया घटना आपसी रंजिश से संबंधित है। इस मामले में अभी तक दो गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आगे की जांच अभी जारी है। तो कैसे एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा छह लोगों की मौत की वजह बन गया, ये दिल दहला देने वाली घटना देवरिया जिले से सामने आई।